नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। कन्यादान का महिमा है, गौदान का महिमा है। यहां अनुशासन पर्व में श्राद्ध पक्ष की सारी बातें आई हैं, बहुत प्रकार के दान की बात आई है। जब दान दान दान, ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो, इस प्रकार की बात की जाए, युधिष्ठिर एक प्रश्न करते हैं, ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च। ब्राह्मणों को जो विविध प्रकार के दान दिए जाते हैं, दातृ प्रति ग्रही योर वै को विशेषा पितामह, उसमें दान देने वाला महत्वपूर्ण होता है या दान लेने वाला महत्वपूर्ण, अर्थात दान देने वाला श्रेष्ठ है या दान का स्वीकार करने वाला श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर दाता श्रेष्ठ है तो वो पूज्य है, और अगर स्वीकार करने वाला श्रेष्ठ है तो वो पूज्य है। श्रीमद् भगवद गीता के पास जाते हैं तो वो तो स्पष्ट कहती है कि सात्विक दान वही है जिस दान में दान देने वाले को यह अनुभूति हो कि दान देकर के उसका कल्याण हो गया। अब यह अनुभूति तो आपको तभी हो सकती है जब आप दान स्वीकार करने वाले को अपने से श्रेष्ठ माने। वहां स्पष्ट कहा है कि अगर आप दान करने के समय किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं कि जिसको दान देकर के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसका भला कर रहे हैं, तो वो दान आपका तामसी दान हो गया। यानी किसी को भिक्षा अगर आप देते हैं तो उस दान को दान नहीं माना गया है, उसको तो तामसी दान माना गया है। अगर आप दान अपने किसी कल्याण के लिए देते हैं कि ये दान दूंगा तो इससे मेरा ये भला हो जाएगा, तो उसको राजसी दान माना गया है। लेकिन जब आप दान इस हेतु से करते हैं कि अगर ये दान मेरा स्वीकार कर लिया जाए तो मेरा सब कुछ भला हो जाएगा, तब आप ये मान लीजिए कि वो सात्विक कक्षा का दान होता है। युधिष्ठिर का प्रश्न था तो पितामह जवाब देते हैं, और जवाब देते हुए वो कहते हैं कि हम आपको वृषदर्भ नाम के एक राजा हुए और सप्त ऋषियों के साथ इस दान को लेकर के जो स्थिति खड़ी हुई वो कथा आपको सुनाते हैं। कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः विश्वामित्रो जमदग्नि साध्वी चैवाप्य अरुंधति। कश्यप ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, ये सभी, इनके साथ एक पशुशक नाम का जो शूद्र है और गंडा नाम की एक कर्मकारिका है, दासी है, ये सभी लोग एक साथ विचरण करते हैं आत्मकल्याण की भावना से, यहां से वहां, वहां से वहां। भाई रमता जोगी बहता पानी, उन्हीं को शुद्ध माना गया है, तो हमेशा इनके विचरण चलते रहते हैं। एक बार की बात है कि बड़ा दुकाल पड़ गया और इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं। इनके पास क्या, जहां जहां इन्होंने विचरण किया उस पूरे प्रदेश में दुकाल है। इनके साथ दक्षिणा के रूप में शिवी के सुनु शैवे ने जो एक पुत्र दे दिया था, वो पुत्र भी इनके साथ था, लेकिन भूख प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक की मृत्यु हो गई तो ये सभी ऋषिगण उस बालक को चारों तरफ से घेर के इस प्रकार से खड़े हो गए कि भैया अब ये तो मर ही गया है, तो इसका मांस भक्षण करके हम कम से कम अपने प्राण बचा लें। उसी समय वृषदर्भ नाम के एक राजा हैं और वहां आकर के पहुंच गए। उन्होंने देखा सभी ऋषियों को तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, ये आपको शोभा नहीं देता है। भाई आपको जो चाहिए मैं हर तरीके का दान आपको देने के लिए तैयार हूं। आपको चाहिए मैं आपको
पृथ्वी, आपको समृद्धि, आपको धन, आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको इस प्रकार से एक मुर्दे का मांस नहीं खाना चाहिए। तब वशिष्ठ कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सत्येन निष्क गणितम सहस्त्रेण च संमितम। अगर कोई व्यक्ति सुवर्ण की एक मुद्रा का दान स्वीकार करता है तो उसके सिर पे 1000 मुद्राओं का कर्ज चढ़ जाता है। देखिए वो गीत ऐसे ही नहीं गाया जाता कि आप 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, या आप 1 रुपया दोगे तो 10 लाख देगा। यहां शास्त्र भी ये कहते हैं कि अगर आप दान के रूप में किसी के पास से 1 स्वर्ण मुद्रा का स्वीकार करते हैं तो आपके मस्तक पे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ जाती हैं। अब उसको उतारने के लिए या तो आप इतनी तपस्या करें, आप इतने जप करें, इतने तप करें, या भविष्य में इसकी तैयारी रखें कि आपको ये सारा कर्ज वापस देना है। इसलिए मुझे आपका दान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। वशिष्ठ ने तो जवाब दे दिया। कश्यप ऋषि कहते हैं, यत पृथिव्याम ब्रीहियम हिरण्यम पशुवस्त्रियः सर्वे तन्नालमेकस्य तस्मात् विद्वान शमम चरित। भाई इस पृथ्वी पे जितना भी धन धान्य है, जितना भी सोना है, जितने भी पशु प्राणी हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं, सब किसी एक ही व्यक्ति को मिल जाए, यानी इस पृथ्वी की सारी संपत्ति का अधिकारी कोई एक व्यक्ति बन जाए, उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले सभी सुख भी उसके पास आ जाए, क्योंकि यहां स्त्री का भी समावेश किया है और यहां सुवर्ण का भी समावेश किया है, तो भी उस व्यक्ति की तृष्णा को मिटाया नहीं जा सकता है। फिर भी वो सोचेगा चलो इस पृथ्वी का सब आ गया तो स्वर्ग की अप्सराएं भी आनी चाहिए, स्वर्ग की संपत्ति भी आनी चाहिए। उसकी तृष्णा को नहीं मिटाया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को दान प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए, अपनी तृष्णा को शांत करना चाहिए। भरद्वाज कहते हैं, उत्पन्नस्य रुरोह श्रृंगम वर्धमानस्य वर्धते। एक मृग का बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके माथे पे सींग भी छोटा सा होता है, उसका भी एक निशान होता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका सींग भी बड़ा होता है। यही स्थिति हम सब लोगों की है स्थिति। हम जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर तृष्णा का वो बीज उस मृग के मस्तक पे उगने वाले उस सींग की तरह होता है, और फिर जैसे जैसे मृग बड़ा होता है उसका सींग उससे काफी बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी तृष्णा भी जो है हमारे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, और इसको किसी के पास से दान प्राप्त करके समाप्त नहीं किया जा सकता। गौतम ऋषि कहते हैं, न तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोकम प्रतिपूरयेत। भैया इस धरती पे कोई भी ऐसा धन नहीं है जो व्यक्ति के मन की कामनाओं को पूर्ण कर पाए। समुद्र कल्पः पुरुषो न कदाचन पूरयेत। जैसे सारी धरती की नदियां जा जाके समुद्र में गिरती हैं लेकिन कभी भी समुद्र को भर नहीं पाती हैं, या कभी भी उसमें उबाल नहीं ला पाती हैं, या कभी भी समुद्र को यह एहसास नहीं करवा पाती है कि लो हमने तुमको भर दिया। इसी प्रकार से कितने भी द्रव्य मनुष्य के पास आते रहें लेकिन कभी भी उसके मन को संतोष नहीं मिल सकता है। विश्वामित्र, कामम कामय मानस्य यदा कामा समृद्यते अथैनम अपरह कामा तृष्णा विद्यति बाणवत। भाई व्यक्ति की एक कामना पूर्ण होती है, एक इच्छा मन में आई कि ऐसा होना चाहिए, ऊपर वाले ने वो इच्छा पूर्ण कर दी, लेकिन वो इच्छा पूर्ण हो उससे पहले पहले दूसरी इच्छा आकर के सामने खड़ी हो जाती है। और ये जो तृष्णा रूपी बाण है ना, ये व्यक्ति के हृदय को हमेशा बींद के रखता है।
एक कामना पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी कामना सामने खड़ी हुई है। इसलिए कामनाओं का अंत नहीं हो सकता है। जमदग्नि कहते हैं, प्रतिग्रहे संयमो वही तपोधारय ते ध्रुवम। भैया दान स्वीकार करने में अगर व्यक्ति संयम रखे तभी उसकी तपस्या सुरक्षित रह सकती है। तद्धनम ब्राह्मणस्य है लुभ्यमानस्य विस्रवेत। अगर व्यक्ति दान का स्वीकार करता है ना, तो उसकी सारी की हुई तपस्या, उसका सारा किया हुआ जप तप जो है ना, उसके साथ धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए, हम बचपन में जब पढ़ा करते थे तो जिन गुरुजी के पास रहते थे वो गुरुजी ये कहते थे कि अगर आप किसी के यहां एक दिन श्राद्ध में भोजन करने जाते हैं तो आपको कम से कम 11 गायत्री का जाप करना चाहिए श्राद्ध की बात की, और अगर आप किसी के यहां 13वीं खाने जाते हैं तो कम से कम 21 माला गायत्री की अगर आप कर सकते हैं तो ही आप 13वीं खाने जा सकते हैं, नहीं तो आपको इस प्रकार के ब्रह्म भोज में नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म भोज जो है वो आपको ब्राह्मण में से, चूंकि आप तपस्या करते नहीं है, आपकी तपस्याएं क्षीण होती रहती हैं और फिर से आपको अधोयोनि में पहुंचा दिया करता है। अरुंधति कहती हैं, धर्मार्थम संचयो यो वही द्रव्याणाम पक्ष सम्मतः, तपः संचय एवे है विशिष्टो द्रव्य संचया। भाई ये कहा जाता है कि धर्म अर्थ की सिद्धि के लिए व्यक्ति को द्रव्य का संचय करना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है तो द्रव्य से अधिक महत्व उसको अपनी तपस्या के संचय को देना चाहिए, उसको तपस्या का संचय ज्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए, उसमें उसका ज्यादा कल्याण है। अब इनके साथ जो कर्मकारी का वो दासी थी ना, गंड नाम की, गंडोवाच, वो भी कहती है, उग्रादितो भयात यस्मात विभ्यति मे ममेश्वराः वलियांसो दुर्बलवद विभेम्य अहम अतः परम। देखिए, मेरे मालिक लोग, मतलब ये सप्तऋषि तो हमारे स्वामी हैं, अगर उनको दान स्वीकार करने से भय लगता है तो मैं तो उनकी दासी हूं, अगर वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो इसको नहीं पचा सकते हैं तो मैं तो कैसे इसको पचाऊं। अब देखिए, वो राजा इनको दान देना चाहते हैं और एक एक व्यक्ति के पास जाते हैं, लेकिन इनके यहां से कोई भी, चलिए पशुसुख जो इनके साथ एक दास भी था उसकी भी बात कर लेते हैं, यद वै धर्मे परम नास्ति ब्राह्मणास्तद्धनम विदुः विनयार्थम सुविद्वांसम उपासेयम यथा तथा। देखिए, धन जीवन में वही काम आता है जो धर्म का पालन करते हुए जिसको प्राप्त किया गया, उससे बड़ा कोई धन नहीं। आपने किसी को लूट के किसी तरीके से जो धन अर्जित किया है वो धन आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपको फ्री में कहीं से मिल गया है, कहीं कुछ पड़ा मिल गया है, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो जिस दिन जाएगा ना आपके पास से कुछ और लेके जाएगा। लोग बाग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में इन चीजों को देखा है और तब ये बात कह रहा हूं कि जो दूसरों के पास से पैसे ले लिया करते हैं, चाहे छल कपट के द्वारा या जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं उसके द्वारा, वो लोग कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। वो फीस भर के अगर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बना भी लिया तो भी वो लड़का अपने जीवन में उन माता पिता को कोई सुख नहीं देगा, ऊपर से उन माता पिता को और अधिक हैरान परेशान करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है, क्योंकि वो संस्कार उसके अंदर आ ही नहीं सकते हैं। या इसी बात को पशु कह रहा है कि धर्म से जिस धन का अर्जन किया जाता है इसके अतिरिक्त किसी भी तरह किसी भी प्रकार से अर्जित किया हुआ जो धन है
वो सर्वथा हानिकारक, दुखकारक और परेशानीकारक होता है। इसीलिए मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इन विद्वानों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहता हूं, मैं इस धन का क्या करूंगा। और फिर वो सभी ऋषि एक साथ उस राजा से कहते हैं, देखिए राजा को टैक्स तो मिलता है, लेकिन हमेशा राजा जो है ईमानदारी से ही टैक्स लेता है ऐसा तो नहीं मान सकते। गुरु नानक वाली एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि दो लोग आए, एक गांव का किसान था और एक बहुत बड़ा सेठ था, अपने अपने यहां से भोजन लेके आए गुरु नानक के लिए। तो एक भोजन में जो किसान लाया था वो तो मक्की की रोटी और सूखा सूखा साग था, और वो जो व्यापारी था वो बड़े हलवे पकवान और ये वो लेकर के आया था। अब दोनों ने अपनी अपनी थालियां रख दी, लेकिन गुरु नानक ने बड़े प्यार से उस किसान की रोटी को उठाया, उस सूखे साग के साथ उस सूखी सूखी रोटी को खाने लग गए। बड़ा बुरा लगा उस सेठ को कि मैं इतनी मेहनत से और इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आया हूं और नानका ने तो मेरे उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो वो एकदम से बोले कि देखिए आपने तो हमारे साथ ऐसा किया। तो उन्होंने उनके हलवे को लिया हाथ में और ऐसे निचोड़ के दिखाया, उसमें से खून की बूंदें टपक रही थी, और दूसरी तरफ से उसकी रोटी को जब जोर से दबाया तो उसमें से पसीने की बूंदें गिर रही थी। और उन्होंने कहा कि भैया मुझे ये पसीना पीना मंजूर है, लेकिन ये खून पीना मुझे मंजूर नहीं है। तो जीवन में जब भी हमारे पास हराम की कमाई की कोई चीज आती है, वो किसी ना किसी के खून से, और जब हम स्वयं पसीना बहाते हैं और कुछ प्राप्त करते हैं तो वो पसीने की कमाई होती है, दोनों का एक अंतर हुआ करता है। और इसीलिए वो ऋषि इसका स्वीकार नहीं करते हैं। अब सारे मंत्री जो हैं जाकर के राजा को बताते हैं, वृषदर्भ को, कि महाराज हमने बड़ा कोशिश किया लेकिन वो लोग तो दान नहीं ले रहे हैं। तो राजा ने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि ये फल वगैरह ले आओ गूलर उलर के, भाई धन धान्य आदि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ फल इत्यादि ले आओ और उसके अंदर सोने की मोहरें या सोना रख करके और वो सारे फलों की टोकरियां जो है ना इन लोगों को दान में दे आओ। तो फल के बहाने इनके पास फिर गोल्ड पहुंच जाएगा, फिर क्या कर लेंगे ये लोग। तो सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया, फल की टोकरियां भरी गईं और उनके अंदर वो गुप्त दान के रूप में सुवर्ण छुपाया गया। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तो उन फलों को देख करके तुरंत ही ऋषि ने ये कह दिया कि अच्छा ये तो हमारे साथ उससे भी बड़ा छल किया जा रहा है, यानी दान देने में इस प्रकार से जब दान दिया जा रहा है, ये दान किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और उन सप्तऋषियों ने उन सारे फलों का वहीं परित्याग करके उन मंत्रियों से स्पष्ट कहकर के, भैया हमें आपका ये दान स्वीकार नहीं है, जो इसकी लालसा रखता हो, जिसको इसकी जरूरत हो, ऐसे किसी भी ब्राह्मण को जाकर के आप ये दान दे सकते हो। और वहां से उन लोगों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी कि भैया इस नगरी में ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता है। आगे क्या होता है ये कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे, बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा है। देखिएगा दान स्वीकार करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, लेकिन दान का स्वीकार करना ये बहुत बड़ी एक जवाबदारी है, इसलिए इसको तो बड़ा ही समझना चाहिए और इसके परिणाम क्या है उनको भी जानना चाहिए। तो बाकी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व ये भी एक सीखने का अनुशासन है। दान करने वाले तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन दान का स्वीकार करने के लिए हम योग्य हैं या नहीं, ये भी तो हमें समझना चाहिए। तो कल इससे आगे की कथा सुनेंगे। पुनः धन्यवाद।